हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस क्लासेस। माय नेम इज रितु और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है? ये चैप्टर है जो टोटली इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आज जो हमारी लाइफ है वो भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती जा रही है। अब डेली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब नई नई ऐप्स आ रही हैं। अब जरूरी तो नहीं जो भी नई ऐप्स आ रही हैं वो सब पॉपुलर हो रही हों, नहीं, जो हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हमारे ट्रेंड में ज़्यादा आ रही हैं, वही क्या होती हैं, वही पॉपुलर होती हैं और वही ट्रेंड में आती हैं। और जो हमारे पास से लेकर हमारे फ्यूचर तक जाती हैं, फ्यूचर तक इमर्ज होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स। मीन्स जो टेक्नोलॉजी या जो ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है और आगे भी हम उसको यूज़ करेंगे, तो वही किसमें किसके अंदर आती है, वो इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर आती है। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है? इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट ए न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स। मीन्स वही बात जो मैंने बोली है कि जो ऐप्स या जो टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो जाएंगी और वही ट्रेंड्स में आएंगी, तो वो क्या किसके अंदर आएंगी, वो वही बोलेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स, उनको बोलेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर हम फर्दर कई टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे मशीन लर्निंग क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होते हैं। इसके अंदर भी फर्दर हमारे पास दो कैटेगरी है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, AI का रोबोटिक्स। तो इनको हम डिटेल में टॉपिक वाइज करेंगे। तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन को एक दिमाग दे देना, बेसिक दिमाग दे देना। मतलब जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है। मीन्स हम एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम घर का काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, मतलब हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ जिसके लिए वो प्रोग्राम की गई है वो वही काम करती हैं, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देंगे सिर्फ वो वही काम करेगी। जैसे कि हमारे जो मेडिकल है उसमें क्या है, हमारे MRI मशीन होती है, वो क्या करती है, वो सिर्फ हमारा जो माइंड है उसको ही स्कैन करती है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगी। पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो तो मल्टीपल काम करते हैं एक टाइम पे, वो कितने पेशेंट्स को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मशीन है वो क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफिक काम करती है, और जो हमारा ह्यूमन है वो क्या कर सकता है, वो मल्टीपल काम कर सकता है। तो यहाँ पर AI का क्या मतलब है कि जो मशीन है उनको ऐसे मल्टीपल यूज़र की तरह काम करने वाला बनाना, मतलब उसको ऐसे बेसिक दिमाग दे देना कि जिससे वो हमारे ह्यूमन की लैंग्वेज को समझे, उसको प्रोसेस करे, देन हमें कोई रिजल्ट निकाल के दे, हमें कोई आउटपुट दे। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एप्पल का सीरी। अब हमने हमारे फ़ोन पर जैसे बोला, जो एप्पल का फ़ोन है उस पर बोला हमने क्लिक करके, हे सीरी, और हमें किसी को कॉल करना है तो हम बोलेंगे हे श्री प्लीज़ कॉल दैट पर्सन, तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को कॉल कर देगा। तो ये क्या है, एप्पल के श्री ने क्या किया, हमारे ह्यूमन की लैंग्वेज को समझा, उसको प्रोसेस किया, देन हमें क्या दिया, रिजल्ट दिया। ये क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमारा गूगल सर्च है, अब हमें कहीं कुछ सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, हम माइक पर क्लिक कर देंगे और जो भी हमें सर्च करना है वो बोल देंगे, तो क्या वो हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, इसने भी क्या किया, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को समझा, उसको प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दिया। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अलेक्सा, कोर्टाना और नेटफ्लिक्स। अब जो ये AI का कॉन्सेप्ट है, क्या आपको लगता है कि ये अभी आया है? नहीं, ये आया है हमारा 1940s to 1950s से स्टार्ट हो चुका है, पर ये पहले इतना ट्रेंड में नहीं था क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट नहीं था, मतलब जो आम लोग हैं उनके पास एक्सेस करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, किसी के पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह नहीं थे। पर आज के टाइम पर सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है, हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, हर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो इसलिए AI है जो वो ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। अब जो चाइना है, चाइना में क्या है, जो क्लासरूम्स होते हैं
वहाँ पर कैमरास लगे होते हैं और उनके अंदर ऐसे हम पता कर सकते हैं कि जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है वो पढ़ाई कर रहा है या फ़ोन में गेम खेल रहा है। मतलब ये सब क्या है, AI पर बेस्ड है। अब जो हमारा AI है वो क्या करता है, AI कैसे इंटेलिजेंट होता है, कभी आपने सोचा है कि जो AI है वो कैसे वर्क करता है? अब AI के अंदर हम जितना डेटा डालते जाएंगे, जितना डेटा उसमें डालेंगे वो उतना ही इंटेलिजेंट होता जाएगा। मीन्स जैसे कि हम डेली लाइफ में हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं डेली। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च भी करते हैं ना, कि जैसे हमने आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर को ही हम सर्च करें तो वो भी क्या करें, हम एक डेटा जनरेट कर रहे हैं। या व्हाट्सएप पर हम किसी का स्टेटस देख रहे हैं या कोई स्टेटस डाल रहे हैं या फेसबुक पर कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो इतना ह्यूज अमाउंट पे हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो क्या है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता जा रहा है। मीन्स उसके अंदर जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बिग डेटा बोलते हैं। बिग डेटा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। तो बहुत सारा डेटा जब उसके अंदर जाता जा रहा है तो वो क्या करता है, फिर उस डेटा को एनालाइज करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, देन हमें क्या करता है, रिजल्ट देता है। मीन्स अगर हमने कुछ सर्च किया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हमने यूट्यूब पर सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे पास वीडियोज़ आ जाएंगी। तो हमने एक वीडियो को क्लिक किया हमने देखने के लिए कि कंप्यूटर क्या है, तो उसके बाद हमें फर्दर और उसके अंदर और वीडियोस आती जाएंगी कि कंप्यूटर की फ़ीचर्स क्या हैं, कंप्यूटर कहाँ यूज़ करते हैं, किस कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, मतलब वो हमें रिकमेंड करता रहता है आगे से आगे। तो उसको कैसे पता चला कि हमें ये भी देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, ये AI पर बेस्ड है। मतलब क्या करता है, वो जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं उस डेटा को क्या करता है, वो एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है, तब जाके वो हमें कुछ रिजल्ट्स देता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि जो हमारी रोड्स होती हैं उस पर ऊपर ट्रैफिक लाइट लगी रहती हैं, रेड येलो और ग्रीन लाइट लगी रहती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी डेटा को कैप्चर करती हैं। मीन्स कितनी गाड़ियां हैं जो रोड पर चल रही हैं। अब मान लो हमें कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप पर डालते हैं कि अपना एड्रेस डालते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो क्या करता है, वो हमें दिखा देता है कि कहाँ पर हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ पर हमें कम ट्रैफिक मिलेगा। ये कैसे दिखाता है, वो इसी ऐसे ही दिखाता है कि जो हमारी जो लाइट्स लगी हुई हैं, ट्रैफिक लाइट लगी है, वो डेटा को कैप्चर कर रही हैं, और कैप्चर करके वो क्या कर रही हैं, वो हमें रिजल्ट दे रही हैं। और जिससे क्या करता है, गूगल मैप है वो वहाँ से रिजल्ट लेता है और हमें शो कर देता है कि इस जो रोड पर है वो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, इस रोड पर ट्रैफिक कम मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये AI पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। तो जो AI है वो इतना सारा डेटा जनरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, तो क्या आप भी ऐसे सोच रहे होंगे तो कि फिर जो मशीन है वो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी? नहीं, वो ह्यूमन से इंटेलिजेंट नहीं होगी। यहाँ पर हम दो टाइप्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, और दूसरा होता है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल में क्या होता है, जो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। और नैरो AI क्या है, नैरो AI मीन्स जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है। जैसे कि जो टेस्ला की गाड़ी है वो US में चलती है, और उसके वो क्या होती है, वो ड्राइवरलेस है। मीन्स उसके अंदर ऐसा डाटा फीड कर दिया गया है कि वो अपने आप से चलेगी। मीन्स कहाँ पे उसको रुकना है, कहाँ पे स्लो चलना है, कहाँ पे फास्ट चलना है, मतलब अपने आप से उसको प्रोसेस करेगी। अब ज़रूरी तो नहीं जो टेस्ला की गाड़ी US में चल रही है बढ़िया तरीके से वो हमारे इंडिया में भी चले, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मीन्स ये जो मशीन है उसके अंदर हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे, जिस टाइप के हम उसमें इंस्ट्रक्शन डालेंगे, वो उसी टाइप से हमें रिजल्ट देगा। मतलब नैरो AI क्या हुआ, जो एक स्पेसिफिक काम करे। अब ये जनरल लाइफ में अब तक यूज़ नहीं किया गया है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, मेडिकल में यूज़ करते हैं, या फिर जो स्पेस वगैरह के इसरो सेंटर, ये सब NASA इनमें यूज़ करते हैं। जनरल लाइफ में अब तक इसका यूज़ नहीं किया गया है। तो जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन ने बनाई हैं, तो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकती हैं।
बट अब जो चाइना है वो बना रहा है रोबोट्स, ह्यूमेनॉइड रोबोट्स, जिसका नाम है सोफिया। आप सबने सुना होगा सोफिया के बारे में। एक इंटरव्यू में सोफिया ने बोला था कि वो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो इसे तो सबको ऐसे भी लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 2050 तक सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। तो जो मशीन है वो क्या ह्यूमन को ख़त्म कर देंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मशीन और लर्निंग। मशीन आप सब समझते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रोग्राम डालते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है। लर्निंग का क्या मतलब हुआ? लर्निंग मीन्स जो हमारी मशीन है उसको हमें कुछ सिखाना है। मीन्स हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा डेटा है जो मशीन के अंदर फीड करते जाते हैं, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा। उस डेटा में हम क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिदम्स लगाएंगे, कुछ लॉजिक्स लगाएंगे, जिससे वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके कुछ आउटकम्स निकालेगा, मतलब कुछ रिजल्ट्स निकालेगा। तो मशीन लर्निंग क्या हुआ, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा हम जो है मशीन को फीड कराते हैं, मतलब मशीन के अंदर बहुत सारा डेटा डालते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स लगाते हैं जिसको वो प्रोसेस करके कुछ लॉजिक्स या कुछ रूल्स जनरेट करके हमें देता है। जैसे कि हमारे पास, जैसे मेडिकल का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट का रिकॉर्ड होता है। अब हम हर पेशेंट का रिकॉर्ड रजिस्टर्स में लिखते जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगी। मीन्स हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है, वो लास्ट मंथ कितने था, अब कितना है, मतलब वो हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा उसको करना। ये मशीन से बहुत आसान हो जाएगा। मीन्स हम जो सारा डेटा है पेशेंट्स का वो क्या करेंगे, एक मशीन के अंदर फीड करा देंगे, फिर वो क्या करेगा, कुछ एल्गोरिदम, कुछ प्रोसेस लगा के हमें कुछ रिजल्ट्स देगा। मान लो हमें किसी पेशेंट का देखना है कि लास्ट मंथ उसका डायबिटीज़ कितना था, अभी कितना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्विकली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी हमें आगे फर्दर उसके कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं तो उसके लिए हम क्या करें, हमें जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम ऐसे रजिस्टर्स में ढूंढते रहेंगे तो वो क्या करेगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो मशीन लर्निंग है वो जो हमारे ह्यूमन के काम को क्या करती है, आसान बना देती है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ AI। मशीन लर्निंग क्या है, AI का ही पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। वेयर इन कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को सिखाते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर ऐसी एबिलिटी हम डालते हैं जिससे वो क्या करता है, वो लर्न करता है डेटा से, जो भी हम डेटा डालते हैं, डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कुछ स्टैट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर डेटा फीड कराते हैं विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग। उसके लिए हम अलग से कोई प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, हमने कुछ डेटा जो है मशीन के अंदर फीड करा दिया, अब वो क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करके हमें कुछ आउटपुट देगा। उसका हर एक, उसके लिए हम क्या प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारी जो मशीन है उस पर क्या करेंगे, डेटा को फीड कराएंगे। इट कंप्राइजेस एल्गोरिदम दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ऑन एंड मेक प्रिडिक्शन। वो क्या करेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा, उसको यूज़ करेगा उस डेटा को, और कुछ एल्गोरिदम्स लगा के वो क्या करेगा, हमें कुछ रिजल्ट्स देगा या हमें कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शंस देगा। मीन्स जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था मेडिकल का, एक जो पेशेंट है उसका डायबिटीज़ का हमने एग्जांपल लिया था कि लास्ट मंथ उसका डायबिटीज़ कितना था, अभी कितना है, तो ये हमें क्या बता देगा कि इस पेशेंट को जो है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारा जो सिस्टम है वो हमें ऑटोमेटिकली बता देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग वो है, मशीन लर्निंग AI का ही पार्ट है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर डेटा को फीड कराते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स लगाते हैं, वो प्रोसेस करके हमें आउटकम देता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फिंगर लॉक भी लगा लेते हैं, और हम वॉइस रिकॉग्निशन भी लगा लेते हैं, हम रेटिना स्कैन लगा लेते हैं। जैसे हम हमारे फ़ोन के सामने ऐसे देखेंगे तभी हमारा फ़ोन ओपन होगा, वो कैसे समझे इस बात को कि ये हमारा ही रेटिना है। ये सब क्या है, उसके अंदर जो है डेटा है जो फीड करा दिया गया है।
तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और क्या हमें आउटपुट देता है। अब हम देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी क्या होता है। अब हमने ये तो देख लिया मशीन लर्निंग के अंदर कि जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज को समझती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और हमें कुछ आउटकम देती हैं। अब वो जो मशीन है वो ह्यूमन की लैंग्वेज को कैसे समझती हैं, ये हम पढ़ते हैं मशीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, एनएलपी के अंदर। इसमें क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं वो ह्यूमन की भाषा को समझती हैं, मतलब वो इंसानों की भाषा को समझती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और हमें कुछ क्या करती हैं, रिजल्ट्स देती हैं। जैसे द प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प्स अस बाय सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस व्हाइल टाइपिंग कीवर्ड्स एंड द स्पेल चेकिंग फीचर। अब इसको हम आम भाषा में समझते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, हमने कुछ लिखा, जैसे हम किसी को लिखना चाहते हैं हाय हाउ आर यू लिखना चाहते हैं, तो हमने लिखा हाय, तो वहाँ पर सजेशन बॉक्स में हमें पहले ही लिखा जाएगा हाउ आर यू, तो हमें क्या होगा, हमारे लिए टाइपिंग करना जो ईजी हो गया, मतलब हमने सिर्फ हाय लिखा और हमारे पास सजेशन आ गया हाउ आर यू, तो हमने फटाफट से उसको क्लिक किया और हमारा जो मैसेज टाइप हो गया और वो भी क्या हुआ, फास्टली हो गया। तो ये क्या है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एग्जांपल है। मतलब मशीन ने क्या किया, मशीन ने समझा कि इन हम जो क्या क्या बात करना चाह रहे हैं, हमने किसी को हाय लिखा तो हम ये भी पूछेंगे कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो मशीन ने क्या किया, उसको अपने आप से उसको सजेस्ट कर दिया, मतलब उसने क्या किया, हमारे जो डेटा है उसको क्या किया, प्रोसेस किया और उसको एनालाइज करके हमें क्या दिया, आउटकम दिया। ऐसे ही जैसे गूगल में हम लिखते हैं, गूगल सर्च में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, अब आगे हमें फर्दर उसके रिकमेंडेशन आ जाएंगे, कंप्यूटर की फीचर्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, जनरेशंस क्या हैं कंप्यूटर्स की, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब मतलब सारे हमें रिकमेंडेशन मतलब नीचे आते जाएंगे। तो मशीन ने क्या किया, मशीन ने जो हमारा जो हमने लिखा है उसको उसको समझा, उसको प्रोसेस किया और हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। इसने क्या किया, हमारा जो ह्यूमन है उसको क्या किया, उसके काम को आसान बना दिया। अब अपने काम को आसान करने के लिए ही तो हमने मशीन को बनाया था, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसने क्या किया है, उसने हमारा जो डेटा है जो भी हमने सिस्टम के अंदर डाला है उसको क्या किया, उसको एनालाइज किया, प्रोसेस किया और हमें क्या दिया, रिजल्ट दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा टीवी का रिमोट। अब जो हमारा स्मार्ट टीवी का रिमोट है उस पर एक बटन होता है वॉइस का, उस पर हम क्लिक करके हम बोलते हैं जो भी हमें चैनल देखना है, जैसे मान लो हमें कोई कार्टून देखना है, जैसे हमें एक डोरेमोन देखना है, तो हमने उस पर क्लिक किया और हमने बोल दिया डोरेमोन, तो हमारे सिस्टम पर जो हमारा टीवी है स्मार्ट टीवी है उस पर क्या आ जाएगा, हमारा जो डोरेमोन का कार्टून है वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, तो जो हमारा रिमोट है वो क्या है, वो तो एक मशीन ही है, उसने क्या किया, हमारे ह्यूमन की लैंग्वेज को समझा, उसको प्रोसेस किया और हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। तो ये किसके कैसे पॉसिबल हुआ, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से पॉसिबल हुआ। अब यहाँ देखते हैं, इट डील्स विद द इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज, मतलब वही बात ये है कि ये क्या करता है, जो भी हम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी हमारी लैंग्वेज है उसने इसको समझा, उसको प्रोसेस किया और हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। अब हम देखते हैं कि इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है, ये भी एआई का ही पार्ट है, एआई के अंदर आता है ये इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है, इट अलाउ अस टू विजुअलाइज फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आवर सेंसेस विद 3D वीडियोग्राफी, द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर हैज़ रीच्ड टू अ न्यू लेवल। इसका क्या मतलब हुआ, इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें रियल में नहीं होती हैं पर इनको हम क्या करते हैं, इनको किसी ऑब्जेक्ट या किसी गैजेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कोई 3D मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, हमें 3D ग्लासेस दे दिए जाते हैं और 3D ग्लासेस लगा के हमें वो मूवी ऐसा लगता है कि जैसे वो रियल में हमारे सामने हो रहा है। अब जैसे वहाँ कोई ऐसे पत्थर फेंक के मारता है तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे ऊपर ही आ रहा है,
और जैसे कि वहाँ पर अगर बारिश हो रही होती है तो क्या करते हैं वो, ऐसे हमें फील होता है कि जैसे हमारे ऊपर ही बारिश हो रही है। तो इसका ये सब क्या है, ये सब क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस है, मतलब जो रियल में नहीं होता है पर उसको क्या करते हैं रियल जैसा बना देते हैं। कुछ गैजेट्स होते हैं वो, जैसे वीडियो गेमिंग के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो गेम के अंदर हम कोई बाइक का गेम खेल रहे हैं और उस पर ऐसे लगता है कि हम ऐसे बाइक के ऊपर बैठे हैं और हम ही बाइक चला रहे हैं, कभी इसको लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, राइट टर्न कर रहे हैं, फास्ट चला रहे हैं, स्लो चला रहे हैं, ये सब हमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब रियल में है पर ये रियल में नहीं होता है। ये सब क्या है, ये सब इमेजनरी है, मतलब ये रियल नहीं है। अब इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है। आप देखते हैं वर्चुअल रियलिटी क्या है। अब हम हमारी रियल लाइफ की बात करें, मतलब हमारी वास्तविक दुनिया की बात करें, तो वहाँ पर क्या हम सब चीज़ों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, सब क्या है हमारा रियल है। पर आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारा क्या है, हमारी जो दुनिया है वो क्या है, वर्चुअल होती जा रही है, वर्चुअल वर्ल्ड बन गई है। ये वर्चुअल वर्ल्ड किसकी हेल्प से हो पाया, वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से हो पाया। अब ये वर्चुअल रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास कुछ गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास VR ग्लासेस होते हैं, VR हेडसेट होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम जो हमारा रियल लाइफ, हमें जो सब कुछ है जो रियल की तरह ही दिखता है, जो है तो इमेजनरी पर हमें लगता है कि वो सब रियल में है। मतलब जैसे कोई हम 3D मूवी देख रहे हैं, हम जो 3D ग्लासेस जो VR ग्लासेस लगा कर हम इसको देखते हैं, तो हमें ऐसे फील होता है कि हम वहाँ पर ही चले गए हैं, हमें सब कुछ ऐसे फील होता है कि वो सब रियल में है। बट वो क्या है, वो हमारे इमेजिनेशन में होता है, हमारी कल्पना में है, पर वो रियल में नहीं है। मतलब इन VR हेडसेट, VR ग्लासेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, VR वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या है, 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट द रियल वर्ल्ड। मतलब जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जैसे सब कुछ क्या है, हमारा रियल में ही है। जैसे अभी मैंने बताया था कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ पर हमें हमारे पास 3D ग्लासेस लगा दिए जाते हैं, उसकी हेल्प से हमें क्या लगता है कि जैसे जो सब कुछ हमारे सामने है वो सब कुछ रियल में है, हम भी मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, हमें ऐसा फील होता है। ये सब क्या है, वर्चुअल रियलिटी है। इसका ही एडवांस वर्जन है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी में तो क्या था कि हम एक इमेजनरी दुनिया में खो जाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी रियल लाइफ में नहीं है, हम कहीं और ही चले गए हैं। पर जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसके अंदर क्या होता है, हम हमारी दुनिया में ही रहते हैं, हमारी रियल लाइफ में ही रहते हैं, पर जो वर्चुअल जो वर्ल्ड है, वर्चुअल जो रियलिटी है, उसको हम अपनी दुनिया के अंदर ले आते हैं। मीन्स जैसे अभी हम जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे घर को डिज़ाइन करके देते हैं, हमारा घर बना के देते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे हमें देखना है कि जो ये वाले सोफ़ा सेट है हमारे वो किस कोने में अच्छे लगेंगे, ये वाली टेबल है जो हमारी कहाँ पर अच्छी लगेगी, कोई सीनरी हमें लगानी है वो कहाँ पर अच्छी लगेगी, कहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐप्स का यूज़ करके वहाँ पर हमें क्या लगेगा, वो रियल में ही लगेगा कि हमें जो हमारे घर के अंदर है, हमारे ऐसे सोफ़ा सेट यहाँ पर रख दिए तो वो कैसे लग रहे हैं, मतलब उसको हम रियल में देख सकते हैं। मतलब होता तो रियल में नहीं है, वो होता तो इमेजिनेशन में ही है, पर हम उसको ऐसे देख सकते हैं कुछ ऐप्स के थ्रू। तो वो क्या होती है, हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। द सुप्रीम पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। मीन्स जो हमारा, मान लो जो हमारा घर है, वहाँ पर हमने जो किसी ऐप के थ्रू हमने ऐसे देख लिया कि यहाँ इस साइड पे हमारा क्या अच्छा लगेगा, इस साइड पे हमारा जो बेडरूम है उसमें बेड किस साइड लगाएं, मतलब कुछ भी हमें देखना है तो उसको हम क्या करेंगे। अब ऐसे तो है नहीं हम बड़ा सा बेड उठा के लाएंगे, उसको पहले उधर लगाएंगे, देखेंगे नहीं यहाँ पर अच्छा लग रहा, चलो अब इसको उठाओ फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम उस ऐप के थ्रू अब अपने जो घर है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सही फिट हो रहा है, उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये हमारी एक तरफ से बहुत हेल्प कर रहा है, हमारे जो लेबर का खर्चा है उसको कम कर रहा है, पहले वो सामान उठा के वहाँ रखेंगे फिर दूसरी तरफ रखेंगे, मतलब ये क्या है, इसने एक तरफ से हमारी हेल्प की, मतलब ह्यूमन की हेल्प के लिए ही
तो हम ये चीज़ें बनाते हैं तो ये किसके अंदर आता है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आता है। आई होप आप समझ आ गया होगा कि जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। वर्चुअल मीन्स हम किसी दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, मतलब हम इमेजिनरी दुनिया में खो जाते हैं, पर जो हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी है वो हमें हमारी फिजिकल वर्ल्ड यानी जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसी के अंदर हमारा जो इमेजिनरी है उसको लेके आता है। अब एक ऑगमेंटेड रियलिटी का एक और एग्जांपल हम देखें जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास सबके फ़ोन में रहता है स्नैपचैट। हम क्या करते हैं उसमें, हमने अपना एक फ़ोटो क्लिक किया और उसमें हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे हमने हमारे बिल्ली वाले कान लगा दिए, जैसे हमने कोई गोल्स लगा दिए, हमने कोई अपना ऐसे ज्वेलरी सेट पहना दिया। मतलब क्या है, वो हम हैं तो हम रियल में हम हैं, पर हमने क्या किया, वर्चुअल को अपने ऊपर क्या किया, अप्लाई किया। मतलब हम डॉग बन जाते हैं, कभी कैट बन जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एग्जाम्पल है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है स्नैपचैट, जो आप सभी यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोबोटिक्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा रोबोटिक्स है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इन तीनों को यूटिलाइज करके जो हम मशीन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रोबोट्स। उसको क्या बोलते हैं हम, रोबोटिक्स। मतलब इन तीनों का यूज़ करके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, हमारा रोबोट्स बनाता है। अब रोबोटिक्स क्या है, ए रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब ये क्या है, ये एक टाइप की क्या है, मशीनी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम्स फीड कर देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करके हमारा क्या करता है, हमारा वर्क करता है, काम करता है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक प्रोग्रामेबल डिवाइस हुआ, मतलब एक मशीन हुआ। मशीन क्या है, एक रोबोट है। अब रोबोट और मशीन में क्या है, दोनों सेम चीज़ें हैं या दोनों डिफरेंट हैं? मशीन और रोबोट क्या है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। मशीन क्या होती है, मशीन जैसे हमारे वॉशिंग मशीन, हमारे एसी, हमारे रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, हमारी मशीन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उसको हमने क्या किया, एक चिप पे डाला, जिसको हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम। इसको क्या करा हमने, एक आईसी चिप के अंदर उस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया और देन हमारे सिस्टम में डाल दिया। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर हमने चिप डाल दी कि ये क्या क्या काम करेगी, ये कपड़े को वॉश करेगी, इसको ड्राई करेगी, ये उसके अंदर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, वो सिर्फ वही काम करेगी। पर जो रोबोट्स हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसके अंदर भी वही काम करते हैं, हम उसके प्रोग्राम डालते हैं, उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, बट वो क्या करता है, वो हमारा हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसी में कुछ फर्दर अपडेशन ला सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स का जो मेन प्राइम कंपोनेंट है वो क्या होता है, हमारे सेंसर्स होते हैं। रोबोट किससे काम करते हैं, सेंसर्स से काम करते हैं। अब जो सोफिया है उसकी वीडियोस तो सबने देखी होंगी, सबने देखा होगा, जो सोफिया है हमारा ह्यूमनॉइड जो रोबोट है, जो कि हांगकांग में बनाया है चाइना में, तो वो कैसे काम कर रहा है, सबने देखा होगा कि वो एक ह्यूमन की तरह ही दिखता है और एक्सप्रेशन भी वैसे ही देता है, जैसे उसको बोले कि मतलब हैप्पी हो जाओ तो ऐसे स्माइल करेगा और सैड हो जाओ, मतलब वो हमारे ह्यूमन की तरह ही क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, वो क्या है, हमारा रोबोट है। पर जो हमारी मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ कुछ काम, स्पेसिफिक काम करने के लिए हमने बनाई है। अब जो सोफिया है वो क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसके अंदर मतलब वो सारी चीज़ों को सेंस कर सकता है, वो कुछ चीज़ों को फील कर सकता है। जैसे कि कोई एक आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा था कोई, तो उन्होंने कुछ ऐसे ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि योर जैकेट इज़ वेरी नाइस। तो फिर उन्होंने बोला कि जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता ये मेरी ब्लू कलर की जैकेट है, तो उसने बोला कि मैं इसको अपने रेटिना से स्कैन कर सकती हूँ कि ये कौन सा कलर है। और उसने बोला कि जो ह्यूमन होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कॉम्प्लीमेंट सुनकर, इसलिए उसने क्या किया, इसको कॉम्प्लीमेंट किया कि जो आपकी जैकेट है वो बहुत अच्छी है, वो ब्लू कलर की है, वो बहुत अच्छी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो सोफिया रोबोट है उसके अंदर हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम फीड कर दिए हैं जो जो कि हमारे मतलब वो ह्यूमन की तरह सोचता है, ह्यूमन की तरह बात करता है, ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। इसलिए तो उसको क्या बोला है, ह्यूमनॉइड रोबोट बोलता है। और जो रोबोट होते हैं वो किस पर काम करते हैं, वो सेंसर पर काम करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हील रोबोट होते हैं, लेग रोबोट होते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब कुछ जो मशीन की तरह दिखते हैं हमें, जो मशीन की तरह काम करते हैं। जैसे अभी गुजरात में बनाए जा रहे हैं रोबोट्स, वो बिल्कुल मशीन की तरह हैं। वो जैसे कुछ हमें खाना सर्व करना है या कुछ, और हमें इंजीनियरिंग में कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं कुछ, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं उनको। पर जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो क्या करता है, वो ह्यूमन की तरह ही सोचता है, बट मतलब वो टोटली ह्यूमन की तरह नहीं है, उसमें रैशनल थिंकिंग नहीं डाली गई है और वो हम डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है वो जो भी सोच सकता है। जैसे हमने सोचा कि ये काम करने से हमारा अच्छा होगा, ये काम करने से हमारा बुरा होगा, तो हमारे पास क्या एक रैशनल थिंकिंग है। बट जो हमारे रोबोट्स हैं उसके अंदर रैशनल थिंकिंग नहीं है, उसके अंदर जो भी हमने प्रोग्राम डाले हैं, जैसे हमने डाले हैं कि हाँ ये काम आपके लिए अच्छा है, ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। वो ऐसे नहीं सोच सकता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, तो मतलब वो ये रोबोट्स नहीं सोच सकते, उनके पास ऐसी पावर नहीं है। तो इसीलिए तो क्या है, जो रोबोट्स हैं उनकी कैलकुलेटिंग पावर तो बहुत ज़्यादा है और वो हमारे से काम भी फास्ट कर सकते हैं, बट वो ह्यूमन से ऊपर कभी नहीं जा सकते हैं। हम भले ही हमारी कंप्यूटेशनल पावर कम हो, हमारी मेमोरी कम हो, बट जो कंप्यूटर है उसको बनाया तो ह्यूमन नहीं है, तो ह्यूमन से आगे जो कंप्यूटर वो नहीं जा सकते हैं, पर इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रोबोट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नासा ने बनाया था मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, इसने क्या किया था, इसने मार्स पे अपना ये MER जो रोबोट्स भेजा था, उसने क्या किया, वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट था उसके पिक्चर्स क्लिक किया, उसका जो डेटा है उसको कैप्चर किया और अपने वहाँ पर क्या दिया, उसका आउटपुट दिया और हमें रिजल्ट्स दिए। जैसे सोफिया है, सोफिया हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि चाइना में बना है। और जैसे इसका एक और एग्जांपल है ड्रोन। अब चलो सोफिया रोबोट तो मतलब किसी ने नहीं भी देखा होगा, पर ड्रोन तो सबने देखा होगा। आजकल शादियों में इसका बहुत ट्रेंड है। अब ड्रोन में क्या होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं और एक GPS डिवाइस लगा होता है, जिसके वो पूरे जो हमारा जहाँ पे हमारा पूरा जो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो शादी का पूरा मंडप लगा होता है, तो वहाँ पे क्या हो, पूरा ऊपर तक घूमता रहता है। वो क्या करता है, वो पिक्चर क्लिक करता है, पिक्चर मतलब वो हर डायरेक्शन से, हर साइड से पिक्चर लेता है, तो जिससे हमें क्या आता है, हर तरह का व्यू हमें दिखाई देता है। मतलब कहीं से हमें कोई पिक्चर अच्छी आ रही है तो वहाँ से हम ले उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ड्रोन क्या हुआ, ड्रोन भी हमारा क्या है, एक रोबोट्स ही है ये। तो ये सब हमने देखा, ये सब क्या है, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने क्या क्या देखा, मशीन लर्निंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है हमारी, और हमारी वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी और रोबोटिक्स क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा बिग डेटा क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।